हेलो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, आई एम इसके साथ मैं जनरल सिलाई। आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ते होंगे इस ठंडी में। चलिए मैं आपको आज वॉइस का मैं छठा वीडियो बनाने जा रहा हूँ और WH क्वेश्चन का ये तीसरा टाइप है। देखते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, उसको हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। चलिए चलते हैं। देखिए WH क्वेश्चन टाइप। देखिए अगर एक्टिव का बनावट, अगर एक्टिव का बनावट यानी कि WH वर्ड्स प्लस HV, WH वर्ड्स प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, अगर ऐसा है एक्टिव का बनावट, ठीक है, अगर ऐसा है एक्टिव का बनावट तो इसका जो पैसिव होगा, देखिए आप बस कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। WH वर्ड्स और हेल्पिंग है तो WH वर्ड्स और हेल्पिंग जो है सो उतर जाएगा। किसके अनुसार? अगर मेन भाव है उसके अनुसार, या हेल्पिंग मार्क है तो हेल्पिंग मार्क, हेल्पिंग मार्क उतर जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं इसका जो पैसिव हुआ तो WH वर्ड्स का WH वर्ड्स, ठीक, प्लस HV है तो HV हो जाएगा। इतना तो कर लेना आपको बस, और जो रूल है बस उसी रूल से जो आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर लेना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मेन वर्ब है तो बी फॉर और प्लस V3 अपना तरफ से बाय, अपना तरफ से बाय, और देखिए यहां बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। क्लियर? बस और क्वेश्चन मार्क, बस यही है आपको। बस इतना देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए WH वर्ड्स का WH वर्ड, HV के HV, अगर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, चलिए MV है यानी कि मेन वर्ब जमा रूप बी फॉर्म तेवर, मेन वर्ब जमा रूप बी फॉर्म तेवर और पैसिव बराबर बी फॉर्म प्लस V3 अपना तरफ से बाई और सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे एग्जांपल देते हैं एक टिप का। देखिए हाउ कैन यू बीट मी, अगर ऐसा है एक्टिव, ध्यान से देखिए, अगर ऐसा है एक्टिव तो इसका पैसिव अगर हमको बनाना है, देखिए हाउ का हाउ आपको बता दिए हैं, जो है सो मेरा फर्ज होता है, जो मेरा फर्ज है वो कर लेना, हाउ है तो हाउ, कैन है तो कैन। क्लियर? बस इतना कर सकते हैं आप तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। मी है तो यहां क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, ठीक। भर फॉर्म कैमरा रूप में बताइए तो पहला रूप है, पहला रूप आपको बता दिए हैं कि बी फॉर्म जमा रूप, भर फॉर्म तमा रूप, तो बी फॉर्म पहला रूप या तो एम होता है, इज होता है, सॉरी एम आर और बी, यही ना है, तो क्या हो गया यहाँ, चलिए यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है, बी लिख लेते हैं भर का पहला रूप एम आर और बी, ठीक। चलिए तो हाउ कैन आई बी, बीट है तो बीटेन हो जाएगा, बीटेन है ना अपना तरफ से बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यू है तो यहां यू हो जाएगा। क्लियर? देख लीजिए एक बार, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। देखिए अगर एक्टिव का बराबर, अगर एक्टिव का बराबर ऐसा हो वाई वेयर यू हेल्पिंग मी, Why were you helping me? कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है। Why का why और where है, तो देखिए यहाँ अगर यहाँ me है तो ये subject बन के यहाँ आएगा, अगर I यहाँ होगा, ठीक, अगर यहाँ I होगा तो यहाँ was होगा ना, तो जो मेरा WH words वाले helping verb था उसका हम क्रिया कर लिए और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिए और भर फ्रॉम कैमरा रूप चौथा रूप है, देख लीजिए चौथा रूप है, तो चौथा रूप क्या होता है बीइंग, आपको बताया है, आप वीडियो शुरू से देखिए आपको जरूर क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, ये मेरा चैलेंज है। चलिए आ हो गया, हाँ बीइंग हो गया तो बी फॉर्म प्लस भीकरी तो हेल्प है क्या हो जाएगा, हेल्प है ना अपना तरफ से बाई और यू है तो यू। चलिए देख लीजिए एक बार, अगर कोई भी दिक्कत है तो बताइए।
एक और एग्जांपल आपको देते हैं, या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए या तो आप वीडियो पूछ करके इसको आप उठा सकते हैं। अगर एक्टिव का बराबर इस ढंग का है, When does सीता भाईया कार, When does सीता भाईया कार, तो देखिए इसका पैसिव जो होगा तो when का तो when उतर जाएगा, इतना तो आप जानते हैं। एक बात यह ध्यान में रखिए, यहां देखिए does है और यहां भर का पहला रूप, यानी कि दोनों को मिला करके आपको भर का पांचवा रूप होगा। जी हाँ दोस्त, दोनों को मिला करके भर का पांचवा रूप होगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें आप देखिएगा उसका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। जी हाँ दोस्त मेरे, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो ये दोनों जोड़ करके आपको यानी कि बी फॉर्म यानी कि पांचवा रूप हो जाएगा। तो यहाँ तो बी फॉर्म की कोई जरूरत ही नहीं है, यानी कि डज के बदले यहाँ क्या दे दीजिएगा, इज दे दीजिएगा, तो वहां बी फॉर्म का कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्त, वहां बी फॉर्म का कोई जरूरत नहीं है, तो अकार यहाँ लाइए, अकार और ये क्या है भर का पहला रूप है, तो आप तो जानते हैं कि तीसरा रूप हो ही जाता है, यानी कि बी फॉर प्लस भी थ्री यानी कि बाइट, और यानी कि सीता है तो अपना तरफ से बाइट का सॉरी बाउट कर दीजिए, बाउट अपना तरफ से बाइट और सीता के सीता। बस इसी तरह से कोई भी आपको सेंटेंस होगा तो इसी सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर के अनुसार आप किसी भी सेंटेंस का एक्टिव से कैसे आप बना सकते हैं। क्लियर, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, देखते हैं अगला हम टाइप। फटाक से नोट कर लीजिए, चलिए टाइप अगर तीन है तो इसको चार बना दीजिए। देखिए अगर एक्टिव का बनावट, एक्टिव का स्ट्रक्चर ऐसा हो, कैसा, whom या what, क्लियर, प्लस एच भी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम भी प्लस उच्चारण, अगर ऐसा बनावट है मेरे दोस्त, अगर ऐसा बनावट है तो इसका जो पैसिव होगा, तो देखिए हुम का बाय हु नहीं कीजिएगा, हु के बाय हुम करते थे, मगर यहां देखिए मगर हुम का सिर्फ क्या होगा, हु होगा, वाट का सिर्फ वाट होगा। क्लियर, चलिए अगर एच भी है तो एच भी उतार देना है, एच भी है तो एच भी उतार देना है, और मेन भाग जैमा रूप है तो बी फॉर्म तैमा रूप हो जाएगा, यानी कि बी फॉर्म प्लस भीथरी, बी फॉर्म प्लस भीथरी अपना तरफ से बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, बस कुछ नहीं कर रहा है, बस इस तरह आपको बना लेना है। चलिए एक बार और देख लेते हैं, हुम का हु व्हाट के व्हाट, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, बस रूल क्या है, मेन वर्ब जमा रूप, बी फॉर्म तैमा रूप और सब्जेक्ट है तो उधर ऑब्जेक्ट चल जाएगा, क्या कोई दिक्कत। चलिए एग्जाम्पल इसका देखिए, अगर एक्टिव में ऐसा अगर एग्जाम्पल है, Whom did Ram kill? अगर ऐसा है एक्टिव का बनावट, अगर ऐसा है एक्टिव का बनावट तो इसका पैसिव क्या होगा, पैसिव क्या होगा, देखिए आपको बता चुके हैं Whom के क्या हो जाएगा, Whom का Whom, क्लियर, Whom के Whom, ठीक। चलिए अगर यहां did है तो आप मेरे दोस्त बताइए कि did और V1 है तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। हाँ देख लीजिए, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, यानी कि इसका जो बी फॉर्म होगा V2 होगा, यानी V2 क्या होता है आपको बता चुके हैं, वाज होता है, आप पहला वीडियो शुरू से देखिए आपको सब समझ में आएगा।
who was चलिए अगर यहाँ राम है, देखिए यहाँ मेन भर्ब मतलब बी फॉर प्लस बी थ्री, बी फॉर प्लस बी थ्री, तो आज क्या हो जाएगा यहाँ किल, क्या हो जाएगा किल्ड अपना तरफ से बाय, अपना तरफ से बाय और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट कर देंगे बाय राम, कोई दिक्कत इसको आप उतारिए। एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, whom are you helping, whom are you helping, चेक। तो देखिए अगर ये एक्टिव है, अगर ये एक्टिव है तो इसका जो पैसिव होगा, अगर ये एक्टिव है तो इसका पैसिव क्या होगा, whom का who, whom के who, whom के who, चलिए अगर यहाँ आर है तो देखिए अगर यहाँ आर है तो आप क्या कर दीजिएगा, आर के आर उतार दीजिए, ठीक है, यानी कि ये जो है सोशल उतार दिए हम। चलिए आपको क्या बताया है, भर फ्रॉम जमा रूप बी फॉर्म तैमा रूप, तो यहाँ भर फ्रॉम चौथा रूप है तो क्या हो जाएगा बींग, बींग क्लियर, भर फ्रॉम चौथा रूप है तो बींग, चलिए बींग और उसके बाद बी फॉर प्लस बी थ्री बींग हेल्प, बींग हेल्प अपना तरफ से बाय, अपना तरफ से बाय और जो ये सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए हम आपको अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल आपको देते हैं, What does Sita write? Clear? What does Sita write? देखिए आपको बता चुके हैं does do या does है, does plus viewer बराबर क्या हो जाएगा v5 हो जाएगा, ठीक है बराबर क्या हो जाएगा v5 हो जाएगा। तो देखिए आपको बताया है अगर एक्टिव पे ऐसा बराबर है तो पैसिव जो होगा, ये अगर एक्टिव पे ऐसा बराबर है तो पैसिव होगा, आपको बता चुके हैं व्हाट का क्या होता है, व्हाट, व्हाट का वाह, अगर यहाँ डज है तो बताइए डज है और ये दोनों मिलकर क्या बना पांचवा रूप, तो पांचवा रूप मेरा क्या होता है बी पर पांचवा रूप इज होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा इज, चलिए ये हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थ्री दोनों साथ में हो गया। चलिए वी थ्री है तो देखिए वी थ्री है तो क्या होगा राइट है तो क्या हो जाएगा रिटेन हो जाएगा, रिटेन क्लियर, रिटेन बी फॉर प्लस बी थ्री हो गया, अपना तरफ से क्या देना है अपना तरफ से बाय, अपना तरफ से बाय, तो सीता है तो सीता बस कुछ नहीं करना है, आप वीडियो रुक करके उतार लीजिए। चलिए हो गया बढ़ते आगे हम, देखिए आगे हम आपको बताने जा रहे हैं पॉजिटिव वर्ब, जी हाँ मेरे दोस्त पॉजिटिव वर्ब, देखिए पॉजिटिव वर्ब होता क्या है पहले उसका बेसिक जान लेते हैं, क्लियर। देखिए पॉजिटिव वर्ब यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, जैसे मैं रोता हूं, क्लियर, मैं रोता हूं और वह मुझे रुलाती है, मैं रोता हूं वह मुझे रुलाती है ना, मैं रो रहा हूं और अब वह मुझे रुला रही है, अब वह मुझे रुला रही है, जी हाँ मेरे दोस्त, तो अगर वह मुझे रुलाएगी तो वह क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया होता है, क्लियर। चलिए देखते हैं आपको एग्जाम्पल देते हैं और उससे पहले आपको संतुष्ट करते हैं, उसके बाद हम आपको एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाएंगे। चलिए देखिए जैसे इसका
कोई भी टेंस हो उसे फर्क नहीं पड़ता है। अगर पॉजिटिव है यानी कि प्रेरणात्मक क्रिया, ठीक है चलिए पॉजिटिव वर्ब यानी कि प्रेरणात्मक क्रिया। जैसे देखिए अगर टेंस फॉर्म में सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है ना कि मैं रोता हूं, मैं रोता हूं ठीक, और वह मुझे रुलाती है, देखिए और वह मुझे, आपको पैसे पहले हम बेसिक बता देते हैं उसके बाद हम एक चीज से पैसे बनाना सिखाएंगे, वह मुझे रुलाती है ठीक। तो देखिए मैं रोता हूं तो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आई वीप ठीक। चलिए देखिए आप मैं रोता हूं इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, मगर इसका जो स्ट्रक्चर होगा इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए यानी कि सब्जेक्ट प्लस मेक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, मेक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला, बस इसी ढंग का होगा। देख लीजिए हम सब्जेक्ट प्लस मेक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला, इसी ढंग से हम किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस हो उसका हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं ठीक। हाँ पहला और पांचवा रूप सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है ठीक। आई वी मैं रोता हूं और वह मुझे रुलाती है तो क्या होगा, देखिए अब वह मुझे रुलाती है, देखिए एक भी समय बात समझ जाइए यहां कौन होगा क्यों होगा, नाउ कोई नाउ यानी कि अब ठीक है, वह मुझे रुलाती है क्या होगा सी ठीक। अब देखिए यहां रुलाती है ठीक है, देखिए मेक फ्रॉम डालना है तो मेक फ्रॉम में जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो मेक का क्या हो जाएगा मेक्स, वर्ब का पांचवा रूप यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा वर्ब भी सिंगुलर होगा ठीक ना। चलिए तो सी मेक्स, अब ऑब्जेक्ट डालना है तो आई के क्या होगा मी, सी मेक्स मी अब रुलाती है मेक्स मी वी, बस यही है मेरे दोस्त। जैसे देखिए मैं हंस रहा हूं ठीक, ये आप कंटिन्यूअस में कर दिए हम मैं हंस रहा हूं तो क्या होगा आई एम लाफिंग ठीक। और देखिए और अब वह मुझे हंसा रही है, हंसा रही है तो देखिए हाँ इसका जो पॉजिटिव होगा देखिए अब तो यानी कि नाउ सी देखिए हंसा रही है तो सी इज मेक फॉर्म है तो सी इज मेकिंग क्लियर, सी इज मेकिंग, अब क्या देखिए ऑब्जेक्ट क्या है मुझे, सी इज मेकिंग मी अब हंसा रही थे लाफ, देख लीजिए यही है आपका पॉजिटिव हर यानी पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसके अनुसार आपको हम बेसिक बता चुके हैं, अब हम आते हैं आपको एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके। अगर पॉजिटिव हर प्रेरणात्मक क्रिया का एक्टिव है सब्जेक्ट प्लस मेक फॉर प्लस हर का ठीक है सॉरी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हर का पहला ठीक, अगर ऐसा है एक्टिव का बराबर तो इसका जो पैसिव होगा, देखिए इसका जो पैसिव होगा क्या होगा ऑब्जेक्ट का हम जानते हैं सब्जेक्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट
चलिए अब मेक फॉर्म है, मेक फॉर्म है तो क्या होगा, आप जानते हैं मेक फॉर्म है तो क्या होगा, बी फॉर्म, बी फॉर्म प्लस वी थ्री, यानी कि वी थ्री जो भी होगा अभी मेक का क्या होगा, मेड, मेड ठीक, वी थ्री जो भी होगा मेक का मेड हो जाएगा जी मेरे दोस्त, और सब्जेक्ट का जो होगा ऑब्जेक्ट नहीं यहां है, अगर वी वन है तो टू प्लस वी वन हो जाएगा इंफिनिटी, टू प्लस वी वन, चलिए अगर सब्जेक्ट है तो यहां सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बस इसी ढंग से आपको कॉजेटिव वर्ब का यानी कि कॉजेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव आप बना सकते हैं, इसी ढंग से आप बना सकते हैं। ओ, अपना तरफ से बाई चुकी है ना, बाई प्लस सब्जेक्ट का, बस देखिए एक बार, देखिए यहां ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कर लीजिए, अगर मेक फॉर्म है तो बी फॉर्म प्लस वी थ्री, मेक फॉर्म है तो बी फॉर्म प्लस वी थ्री, क्लियर, अगर भर का यहाँ पारा रूप है तो इन्फिनिटिव डाल दीजिए यहाँ टू प्लस वी वन, और अपना तरफ से बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट इसी तरह से बनाना है। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं हम, जैसे सी मेक्स मी, सी मेक्स मी लाफ, हाँ वह मुझे हंसाती है, तो इसका अगर हमको ये एक्टिव अगर है, ऐसा सेंटेंस एक्टिव है, इसका अगर पैसिव करना है तो क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट कर लीजिएगा, आई कर लीजिएगा, बस ये मेक फॉर्म यानी बी फॉर्म क्या रूप है, पांचवा रूप है, तो बताइए अगर पांचवा रूप है तो आई एम हमेशा क्या लेता है, एम सॉरी आई हमेशा क्या लेता है, एम लेता है, तो आई एम, आई एम ठीक है, आई एम है ना, आई एम मेड ठीक, आई एम मेड हो गया, बी फॉर प्लस बी थ्री, यानी कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना होगा, यहाँ यहाँ पांचवा रूप है तो यहाँ इज नहीं लगाना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि आई है तो हमेशा वो एम ही लेगा ठीक। चलिए आई एम मेड, आई एम मेड यानी कि इतना तक मेरा क्लियर हो गया। चलिए अब इन्फिनिटिव है यानी कि भर का पहला रूप है लाख, तो टू लाख हो जाएगा, टू लाख हो जाएगा, यहां तक क्लियर। चलिए अपना तरफ से बाई कर देना है और जो सब्जेक्ट है उसका क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट कर देना है, जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट, तो सी है तो क्या हो जाएगा, हर, बस इसी तरह आप किसी भी सेंटेंस का आप अगर ऐसा सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप इसका पैसिव बना सकते हैं इसी ढंग से। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, गुड नाइट गुड बाय। हो गया।